नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 32 खेला जाएगा 23 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 3:30 बजे से यानी कि 3:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट क्या है, वहीं पर इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस मैच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईपीएल 2023 के सभी मैचेस की एक्यूरेसी के साथ टॉस, मैच और सेशन की प्रेडिक्शंस पाना चाहते हो तो एक बार आप राहुल क्रिकेट प्रेडिक्शन के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप इनके व्हाट्सएप नंबर को सेव करके इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रेडिक्शंस काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। इसलिए अगर आप भी प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो एक बार इनके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2023 के मैच नंबर 32 के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2023 के अभी तक 4 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैचेस सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने भी जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 196 का है और एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 189 रन का रहा है। तो आप इन आईपीएल 2023 में खेले गए मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से आईपीएल 2023 में अभी तक दोनों टीमों ने इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं, क्योंकि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार रहती है। पूरे मैच में इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी आसान साबित होता है और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आपको जनरली बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलती है, जिस पर काफी हाई स्कोर्स बनते हैं। आईपीएल 2023 में भी जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उनमें से 3 मैचेस में आपको काफी बड़े स्कोर्स देखने को मिले थे। जो पहला नाइट मैच इस मैदान पर खेला गया था आरसीबी और एमआई के बीच में, उस मैच में आरसीबी की टीम ने 172 रनों के स्कोर को बड़ी आसानी के साथ चेस कर लिया था। इसके अलावा जो दूसरा नाइट मैच इस मैदान पर खेला गया था आरसीबी और एलएसजी के बीच में, उस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 213 रनों के विशाल स्कोर को भी 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर जाकर चेस कर लिया था। जबकि जो तीसरा नाइट मैच इस मैदान पर खेला गया था आरसीबी और सीएसके के बीच में, उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 226 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था और आरसीबी की टीम उस स्कोर को चेस करते हुए 218 रनों तक पहुंच गई थी। सीएसके की टीम मात्र 8 रनों से ही वो मुकाबला जीत पाई थी। तो आप इन तीनों नाइट मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि इस साल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार है। बहुत ज्यादा सपोर्ट यहां पर बल्लेबाजों को मिल रहा है, इसी वजह से तीनों नाइट मैचेस में चेजिंग टीम्स को ही ज्यादा एडवांटेज मिला था। लेकिन जो इकलौता दिन का मैच इस मैदान पर खेला गया है आईपीएल 2023 में आरसीबी और डीसी के बीच, उस मुकाबले में ये पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आई थी, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। पहली पारी में तो इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान साबित हुआ था और उस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने 174 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए। लेकिन जब पहली पारी में इस पिच पर धूप पड़ी थी तो यह पिच काफी ज्यादा सूख गई थी, जिस वजह से सेकंड इनिंग्स में यह पिच काफी धीमी हो गई थी और बल्लेबाजी करना मुश्किल साबित हुआ था। स्पेशली स्पिनर्स को दूसरी पारी में काफी मदद मिली थी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 175 रनों का स्कोर पीछा नहीं कर पाई थी। यह मुकाबला भी खेला जाएगा दिन में, तो यहां पर मुझे लगता है कि एक बार फिर से फर्स्ट
इनिंग्स में ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन रहेगी, तो आप पहली पारी में बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में धूप पड़ने के बाद ये पिच सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, जिस वजह से दूसरी पारी में जो स्पिनर्स हैं वो घातक हो सकते हैं और पिच स्लोनेस की वजह से बल्लेबाजी करना मुश्किल साबित हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें बाउंड्री डायमेंशंस की, तो ये मैदान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 58 to 65 meters की देखने को मिलेंगी, जबकि स्ट्रेट बाउंड्रीज 68 to 71 meters की हैं। इसी वजह से इस मैदान पर काफी ज्यादा चौके छक्के देखने को मिलते हैं और इस मुकाबले में भी आपको काफी बाउंड्रीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2023 के मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो सीएसके का है आरसीबी के खिलाफ 226 रन 6 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट टोटल डीसी का है आरसीबी के खिलाफ 151 रन 9 विकेट के नुकसान पर, हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो एलएसजी ने किया है आरसीबी के खिलाफ 213 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो आरसीबी ने किया है डीसी के खिलाफ 174 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल आईपीएल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 36 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 31 बार स्कोर किया है, 170 से 189 के बीच में टीम्स ने 23 बार स्कोर बनाया है और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में 29 बार देखने को मिल चुका है। तो ये जो ओवरऑल आईपीएल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है वो आपको ये बता रहे हैं कि इस मैदान पर जो ज्यादातर फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर हैं वो या तो 150 के आसपास या फिर 170 तक देखने को मिले हैं, लेकिन जो रीसेंट आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वहां पर ये पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार रही है। तो ऐसे में आप इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो 180 के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर 180 तक फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर बन जाएगा तो जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी उस टीम के मैच जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस मैच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 34 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 14 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 26 विकेट्स लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 8 विकेट मिले हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 5 विकेट लिए हैं, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 6 विकेट मिले हैं जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 3 विकेट्स लिए हैं। तो आईपीएल 2023 में जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उनके स्टैट्स आपको क्लियर कर देते हैं कि अभी तक इस साल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के मुकाबले इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं, स्पेशली जो शुरुआती ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के यानी कि पावर प्ले ओवर्स, वहां पर तेज गेंदबाजों को नई गेंद के साथ काफी स्विंग मिलती है, इसके अलावा उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है जिस वजह से वो आपको पावर प्ले ओवर्स में 2 से 3 विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं, और इस मैच में भी जो पावर प्ले ओवर्स होंगे उसमें आपको फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि पूरे मैच में तेज गेंदबाजों का ही दबदबा रहता है और फास्ट बॉलर्स ही आपको ज्यादातर इफेक्टिव होते हुए नजर आते हैं। हालांकि जो इकलौता दिन का मैच इस मैदान पर खेला गया था आरसीबी और डीसी के बीच में, उस मुकाबले में स्पिनर्स भी मिडिल ओवर्स में काफी इफेक्टिव हुए थे, उस मैच में टोटल 5 विकेट्स स्पिनर्स के खाते में गए थे और दोनों टीमों के स्पिनर्स को पिच से काफी ज्यादा ग्रिप और टर्न मिली थी। इस मैच में भी दोस्तों हो सकता है कि जो मिडिल ओवर्स होंगे आप उसमें आपको स्पिनर्स घातक साबित होते हुए नजर आए, क्योंकि जब धूप पड़ेगी तो ये पिच काफी ज्यादा धीमी हो जाएगी और धीमेपन की वजह से यहां पे स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करना मुश्किल साबित होगा, उनको यहां पर ग्रिप और टर्न फिर से देखने को मिल सकती है। दोनों टीमों के पास क्वालिटी स्पिनर्स भी मौजूद हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस मैच में भी जो मिडिल ओवर्स होंगे उसमें आपको स्पिनर्स स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिनर्स काफी इफेक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, 1 स्पिनर में आप 1 राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे विराट कोहली के साथ कैप्टन फैफ डुप्लेसी, नंबर 3 पर आ सकते हैं महिपाल लोमरोर, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर सुयश प्रभु देसाई, नंबर 6 पर शाहबाज अहमद, नंबर 7 पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, नंबर 8 पर वानिंदु हसरंगा, नंबर 9 पर हर्षल पटेल, नंबर 10 पर वेन पार्नेल और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज आ सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आरसीबी की टीम गेंदबाजी करेगी तो फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर विजय कुमार वेशक या फिर राइट आर्म लेग स्पिनर कर्ण शर्मा सुयश प्रभुदेसाई की जगह पर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन एंड विकेट कीपर संजू सैमसन, नंबर 4 पर देवदत्त पड्डीकल, नंबर 5 पर शिमरन हेटमायर, नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 7 पर रियान पराग, नंबर 8 पर आर अश्विन, नंबर 9 पर जेसन होल्डर या फिर एडम जैम्पा में से कोई एक खेलेगा, नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान रॉयल्स की टीम गेंदबाजी करेगी तो फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर संदीप शर्मा ध्रुव जुरेल की जगह पर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर ले तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल इतिहास में आमना सामना टोटल 28 मैचेस में हुआ है, जिसमें से आरसीबी की टीम ने 13 मैचेस जीते हैं जबकि आरआर की टीम 12 मैचेस जीत पाई है और बाकी के 3 मैचेस नो रिजल्ट रहे थे। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में मामला लगभग बराबरी का नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले लास्ट 5 आईपीएल मैचेस की जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं तो वहां पर आरसीबी की टीम को थोड़ा एज हासिल है क्योंकि आरसीबी की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि आरआर की टीम सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मैचेस जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर हम रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान रॉयल्स की जो फॉर्म है वो आरसीबी के मुकाबले काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की। तो आरसीबी की टीम ने इस मैदान पर जो पिछले 10 मैचेस खेले हैं उसमें इनका विनिंग परसेंटेज 50 है जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मैदान पर जो 6 मैचेस खेले हैं उसमें इनका विनिंग परसेंटेज 66 है। एवरेज स्कोर के मामले में आरसीबी की टीम बेहतर है 185 जबकि राजस्थान रॉयल्स का 158 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में आरसीबी की टीम बेहतर है 218 जबकि राजस्थान रॉयल्स का 217 है और लोएस्ट स्कोर के मामले में भी आरसीबी की टीम बेहतर है 149 जबकि राजस्थान रॉयल्स का 92 है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप आरसीबी की टीम की तरफ से कैप्टन फैफ डू प्लेसी के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 422 रन बनाए हैं 47 के एवरेज और 151 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप विराट कोहली को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 404 रन बनाए हैं 45 के एवरेज और 136 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से जॉस बटलर के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 480 रन बनाए हैं 53 के एवरेज और 149 के स्ट्राइक रेट के साथ जबकि आप यशस्वी जायसवाल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 285 रन बनाए हैं 28 के एवरेज और 137 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले आरसीबी के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज के साथ जा सकते हो जो कि आईपीएल 2023 में आरसीबी के सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए हैं। पिछले 9 मैचेस में 13 विकेट्स लिए हैं 8 की इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हर्षल पटेल के साथ भी जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 9 की इकोनॉमी और 16 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से राइट आर्म लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 14 विकेट्स लिए हैं 8 की इकोनॉमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड एन चिन्नास्वामी स्टेडियम पर काफी शानदार है। इस मैदान पर उनके नाम सबसे ज्यादा 51 आईपीएल विकेट्स हैं। फिर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं 7 की इकोनॉमी और 19 के स्ट्राइक रेट के साथ। अंत में दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन अभी तक काफी शानदार रहा है जहां पर उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 6 मैचेस खेले हैं जिसमें से 3 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी का प्रदर्शन काफी ज्यादा हॉट एंड कोल्ड रहा है, एक मैच जीतते हैं तो अगला मैच हारते हैं। ऐसे में अगर हम दोनों टीमों को परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करेंगे तो राजस्थान रॉयल्स का जो प्रदर्शन है वो आरसीबी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बेहतर रहा है। वहीं अगर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का भी कंपैरिजन कर लें तो ओपनिंग के मामले में आरसीबी की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि आरसीबी के दोनों ओपनर्स
फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों टीमों का जो मिडिल ऑर्डर है वो इस समय परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर के मामले में दोनों टीमें बराबरी पर हैं। बैटिंग की डेप्थ के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। इसके अलावा पेस बॉलिंग के कंपैरिजन में राजस्थान रॉयल्स के पास ज्यादा बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। वहीं अगर हम स्पिनर्स का कंपैरिजन कर लें तो यहां भी राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। तो ओवरऑल दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के कंपैरिजन में मुझे राजस्थान रॉयल्स की जो प्लेइंग 11 है वो ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हालांकि आरसीबी की टीम ये मुकाबला अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी तो होम सपोर्ट और होम एडवांटेज उनको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी तक जैसा प्रदर्शन इन दोनों टीमों का रहा है और स्ट्रेंथ वाइज में मुझे राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और ऐसे में इस मैच की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, राजस्थान रॉयल्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।